Well, welcome back. I'm Aditya and you're watching Aditya COEP. And topic of this video is lower branches in COEP. Like, बहुत सारे लोगों को ये question है कि भैया COEP की lower branch जैसे वर्थिट है, किसी कैसी branches है, क्या future scope है और क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप ये ब्रांच चूज कर सकते हो, या इसके अपोजिट में आपको किसी और कॉलेज का ENTC या फिर और कोई अच्छी ब्रांच मिल जाएगी। सो गाइस, एज ऑफ मैंने अब तक मोर देन 30+ स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज लिए फ्रॉम COEP कॉलेज ओनली, जो मेरे फ्रेंड्स थे कॉलेज के, ठीक है। यूट्यूब पे मैंने 30 से ज़्यादा वीडियोज अपलोड किए, इंटरव्यू वीडियोज। आई हैव कंप्लीट मोर देन 50% ऑफ माई इंजीनियरिंग टू इन COEP कॉलेज पुणे, ठीक है। तो मेरा भी क्या क्या एक्सपीरियंस है लो ब्रांच के ऊपर, बिकॉज आप लोगों को पता होगा मेरे भी मैन्युफैक्चरिंग साइंस ब्रांच है, ठीक है, विच इज सेकेंड लोएस्ट ब्रांच इन COEP, ठीक है। बट क्या क्या चीज़ें मैंने फेस की, मैंने क्यों ब्रांच ली। COEP कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे टॉप कॉलेज है महाराष्ट्र का। हर साल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि सीट एग्जाम में अपेयर कर रहा है, वो हर साल ये नंबर बढ़ते जा रहा है। अभी 4.5-5 लाख लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली फॉर्म भरा था PCM CET का, ठीक है। एंड जिन भी लोगों ने पे किया था CET एंट्रेंस एग्जाम के लिए, सभी का कहीं ना कहीं यही थॉट था कि भी मैं भी COEP जैसे कॉलेज में जाऊंगा, ठीक है। मतलब 4.5-5 लाख लोगों का ड्रीम कॉलेज COEP था। दे वर टारगेटिंग फॉर COEP कॉलेज ओनली, किसी को भी नंबर सेकंड बनना नहीं है, एवरीवन वांट टू बी नंबर फर्स्ट। लेस देन 1% लोगों को उसमें से COEP अलॉट होता है। बट टॉकिंग अबाउट लोअर ब्रांचेस, जो आपको 97, 98, 99 की अराउंड मिल जाएगी, ठीक है, अपन स्पेशली उसके बारे में आज बात करने वाले। तो भाई, पहला तो आप सभी को पता है कि कॉलेज टैग बहुत मैटर करता है, ठीक है। COEP कॉलेज है महाराष्ट्र का टॉप कॉलेज इंजीनियरिंग के लिए आफ्टर IIT बॉम्बे, मतलब जो स्टेट के अंडर आता है, ठीक है। आई एम नॉट कंसीडरिंग IITs एंड IITs IIITs हियर, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट का टॉप कॉलेज है COEP फॉर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो कॉलेज टैग मैटर करता है। तो कॉलेज टैग की बात करेंगे, हमारी इंटर्नशिप वगैरह स्टार्ट हो गया है, हमारे सीनियर्स की हो भी चुकी है, उनने पहले से इंटर्नशिप कर भी ली है, ठीक है। तो कॉलेज एक रेफरेंस देता है, मतलब कॉलेज एक लेटर देता है बना के, हम ये कॉलेज के स्टूडेंट है, हमको इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है, ये ब्रांच है। बस उस रेफरेंस लेटर के बेस पर ही आपको किसी भी कंपनी में ईजिली आपका जो इंटर्नशिप वो मिल जाता है। समर इंटर्नशिप हो गया, फिर आपको कई प्रोफाइल में ऐड करना कि इंटर्नशिप आया किया है, तो बस एक रेफरेंस लेटर में इतना पावर है COEP के कि आपको कॉलेज टैग के ऊपर वो लोग डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेते हैं। मतलब आपको जरूरत नहीं है, बस रेफरेंस लेटर लो, उस कंपनी के पास जाओ, उनको अप्रोच करो, मिल जाएगा। ये कॉलेज टैग का फायदा रहता है, ठीक है। देन सेकंड रेपुटेड कॉलेज है, महाराष्ट्र का टॉप कॉलेज है, तो भाई पुणे में भी तो उसकी बहुत वैल्यू है। एंड टॉकिंग अबाउट द कैंपस, तो 45 एकड़ का बड़ा कैंपस है, ठीक है। मोस्टली 2 कैंपस है, आपने वीडियो देखे होगी मेरे, ठीक है। चाहे तो इस बार वापस से मैं कैंपस व्लॉग लाऊंगा, अभी मानसून का मौसम चल रहा है तो कॉलेज बहुत मस्त दिखता है मानसून के मंथ में। क्लास 12 के स्टूडेंट थे उनके लिए मैं इस साल भी कैंपस लाऊंगा, बहुत बड़े ऐसा बनाऊंगा इस बार, ठीक है। तो 45 एकड़ का बड़ा कैंपस है, कैंपस काफ़ी तगड़ा है, ट्रेडिशनल कॉलेज है एंड 1854 से कॉलेज की लेगेसी है। बहुत पुराना कॉलेज है, बहुत बड़ा कैंपस है एंड कैंपस उतना ही सुंदर है। एक ग्रीनरी आपको कॉलेज में मिलती है, क्लब्स के लिए भी स्पेशल जगह उन लोगों ने अलॉट की है। अगर भाऊ एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन सेल की बात की जाए, एक्सपोजर वाइज कैंपस वाइज बहुत तगड़ा कॉलेज है COEP। अगर मैं COEP के लो ब्रांचेस प्लेसमेंट परस्पेक्टिव से चूज करता हूँ तो मेरे लिए क्या क्या सर्कमस्टेंसेस रहने वाले हैं, एंड अगर मैं सेम हायर स्टडीज़ के अकॉर्डिंग चूज करता हूँ, मेरे वहाँ पे क्या सर्कमस्टेंसेस रहने वाले हैं, ठीक है। पहले हम बात करेंगे प्लेसमेंट। तो गाइस, नो मैटर जो कॉलेज का लोएस्ट ब्रांच मेटलर्जी है, जो कि कट ऑफ के अकॉर्डिंग लोएस्ट है, उसका एवरेज प्लेसमेंट 7.5 LPA जाता है। इट्स वे मोर बेटर दैन एवरेज पैकेज ऑफ अदर कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस। परसेंटेज भी काफ़ी अच्छा है कॉलेज का, ठीक है। लोअर ब्रांचेस में थोड़ा सा कम है, सिविल में तो बहुत ज़्यादा कम है। उसके पीछे जो रीजन से मैंने नीचे कंसिडर किया है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की तो लगभग 80% प्लेसमेंट है, ठीक है। मेटलर्जी की बात की जाए तो उसका भी नियरली 70+ प्लेसमेंट परसेंट है। कोर कंपनीज वो भी कॉलेज विजिट करती है, मान लो सिविल, मैन्युफैक्चरिंग, मेटलर्जी। आपको मैं कोई बंदा है जो कि जिसको से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ही जाना है, ठीक है, जिसको ज़्यादा इंटरेस्ट है R&D में या फिर बाकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, उनके लिए भी कोर कंपनीज काफ़ी आती है, ठीक है। अगर आपका विल है कि आपको कोर कंपनीज में ही जाना है तो यहाँ पर कोर कंपनीज आती है, आपके लिए अच्छा ऑप्शन रह सकता है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग यहाँ पर नोट करने लायक है कि देखो, ये जो फैंसी ब्रांचेस है, लाइक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल हो गया, बाकी मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट हो गया, बाकी मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस हो गया, ये जो फैंसी ब्रांचेस है ये बेस्ट क्यों है, क्योंकि ये COEP में है। गेटिंग कॉलेज टैग मैटर्स अ लॉट अकॉर्डिंग टू मी। बट अगर आपको यही ब्रांचेस एकदम लो किसी कॉलेज में मिल रही है, किसी एवरेज कॉलेज में मिल रही है, तो गाइस डोंट गो फॉर इट। अगर किसी टॉप कॉलेज में मिल रही है तो या डेफिनेटली गो फॉर इट। टॉप के 4-5 कॉलेज आप पकड़ सकते हो, बट अगर उसके बाद जाकर आप इन ब्रांचेस तरफ जा रहे हो, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग, मेटलर्जी, तो गाइस प्लीज डोंट गो विद दोज ब्रांचेस, बिकॉज कोर कंपनीज एक तो वहाँ पर नहीं आएगी। बिकॉज सी, जो भी कोर कंपनीज आएगी वो मोस्टली COEP या फिर किसी बड़े कॉलेजेस से ही स्टूडेंट को हायर कर लेगी, ठीक है। एंड इस इंडस्ट्री में इतनी भी कंपनीज नहीं है, ठीक है। जो कंपनीज है वो काफ़ी तगड़ी है, बट इतनी भी कंपनीज नहीं है। टॉकिंग अबाउट हमारे खुद के ब्रांच की प्लेसमेंट, ठीक है, तो इसमें कोर की कंपनीज आती है
नो वरी, बट इसमें बाकी सारी भी कंपनीज आती है, जैसे कि फाइनेंशियल कंपनी हो गई जो कि फाइनेंस बेस पे काम करती है, आपकी बैंक वगैरह सेक्टर में हो गई, बाकी बहुत सारी कंसल्टेंसी कंपनी रहती है, बहुत सारे एडुटेक के स्टार्टअप भी रहता है, ये कंपनीज प्लेसमेंट विजिट करती है। इससे आपको यहाँ इंडस्ट्री बेस्ड नॉलेज यहाँ पे बहुत तगड़ा मिलता है, ठीक है। हमें भी बहुत प्रैक्टिकल थिंग बहुत ज़्यादा है थियोरी के हिसाब से, थियोरी भी है सिलेबस में बट प्रैक्टिकल चीज़ भी बहुत ज़्यादा है, मशीन्स वगैरह हो गए, तो या इंडस्ट्री बेस्ड बहुत अच्छा नॉलेज है कॉलेज में, ठीक है। एंड या बेटर फॉर मास्टर्स इन सम स्पेशलाइजेशन, ठीक है। अगर मैं पहले से कुछ तो बिजनेस है और फिर आपको आपके पास कोई बिजनेस आइडिया कि भाई मेरे को सिर्फ इसी फील्ड में कुछ बिजनेस करना है या फिर स्टार्टअप वगैरह करना है, तो आपके लिए मास्टर के लिए भी बेस्ट रह सकता है, बिकॉज वही कॉलेज टैग मैटर्स अलॉट। बाकी हम अपना सेकंड बेस्ट देखेंगे हायर स्टडीज़ का, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि COEB में ब्रांचेज चूज करती है फॉर हायर स्टडीज़, ठीक है। उसका सबसे बड़ा पॉइंट है जो मैं पहले से बोल रहा हूँ, कॉलेज टैग, कॉलेज टैग मैटर्स अलॉट। इमेजिन करो आपने COEP जैसे रेप्यूटेड कॉलेज से आपका BTech कंप्लीट किया है और आपने अपना मास्टर और अच्छा रेप्यूटेड कॉलेज से किया है, तो आपका रेज्यूमे डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है। रेज्यूमे पे ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। देन आपके पीयर ग्रुप, ये पॉइंट काफ़ी अच्छा है, ठीक है। आप मानो ना मानो बट आप जितने ऊपर के कॉलेज चूज करते हो उतने अपने पीयर ग्रुप अच्छे बनते जाते हैं। अच्छे डजन मीन कि वो अच्छी बातें करते हैं, अच्छे इट मीन्स कि माइंडसेट मैटर्स अलॉट। देखो मैंने दो सिनेरियो देखे हैं, ठीक है। मैं जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ आप एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ, जितने मैंने साल निकाले हैं पुणे में, मेरे बाकी कॉलेज के भी दोस्त हैं, ठीक है। बट या आप डू बी ऑनेस्ट, ये जो चीज़ें आपको माननी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। अगर आपका कॉलेज अच्छा है तो आपके पीयर्स भी अच्छे रहेंगे, उनकी जो थिंकिंग लेवल वो भी अच्छी रहे। इट मीन्स कि बहुत सारे सक्सेसफुल जो स्टार्टअप्स है वो किसी एक बंदे ने किए, वो बंदे के साथ उसका कोई फ्रेंड भी था, लाइक माइंडेड फ्रेंड की, जिन दोनों ने मिला के एफर्ट डाले थे, ठीक है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर करती है इस पीयर ग्रुप में। तो कई जो पीयर्स रहने वाले हैं इनका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है आपके कॉलेज लाइफ के ऊपर या आप जो बनने वाले हैं उसके ऊपर। तो पीयर चूज करने से पहले 100 बार सोच लियो, ठीक है। अच्छे दोस्त ही बनाओ, इट डजंट मीन कि बाकी लोग अच्छे नहीं रहते हैं, ठीक है। आपके हिसाब से अच्छे दोस्त बनाओ जो आपको आगे जाके हेल्प कर सकते हैं एंड आप कलेक्टिवली ग्रो कर सकते हो, ठीक है। इट डजंट मीन कि आप अकेले ग्रो करना है, क्योंकि जो भी चीज़ें बड़ी बड़ी हुई है वो किसी दो लोगों ने की या फिर मोर देन दो लोगों ने की है, ठीक है। तो पीयर ग्रुप मैटर्स अलॉट, ठीक है। तो यहाँ पे वो अच्छा मिलेगा आपको। एंड सेकंड, जो इन्वायरमेंट कॉलेज का काफ़ी तगड़ा है, ठीक है। ट्रस्ट मी, COEP का इन्वायरमेंट बहुत तगड़ा है। जो सीनियर आप कैंपस में देखोगे वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे ऐसा आपको दिखेगा नहीं कोई कि जो भाई खाली बैठा है, ठीक है, जो टाइम पास कर रहा है, जो खाली बैठा है कुछ अलग ही चीज़ें कर रहा है, ऐसे लोग नहीं मिलेंगे तुम लोग को। सारे लोग डेडिकेटेडली कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बहुत लोग जो हायर स्टडीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं, बहुत लोग जो प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, बहुत लोग जो कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, ठीक है। बहुत लोग जो खुद के स्टार्टअप के ऊपर वर्क कर रहे होंगे। जो इन्वायरमेंट है काफ़ी प्रोडक्टिव बेस का इन्वायरमेंट आपको मिलेगा कॉलेज में। सेकंड, अलुमना नेटवर्क, ठीक है। मान लो आप कोई हायर स्टडीज़ के लिए आपको बाहर जाना, जैसे एग्जांपल आपको जर्मनी में जाना है जो कि एक मैकेनिकल इंडस्ट्री का हब है, ठीक है। और आपको कुछ पता नहीं है कि भाई क्या करना है, कौन सी एग्जाम रहती है, तो डायरेक्टली अप्रोच योर सीनियर्स, अप्रोच योर अलुमनस, काफ़ी हेल्पिंग है। तो जो लोग ऑलरेडी कॉलेज से पास आउट है, जो लोग जर्मनी में ऑलरेडी मास्टर कर रहे हैं, तो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच देम, काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। उनको पता चल गया कि आप COEP से हो, तो या वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे कंप्लीट वे में, ठीक है। तो अलुमना नेटवर्क बहुत अच्छा है कॉलेज का, सीनियर्स काफ़ी अच्छे कॉलेज के, तो वो आपको हर एक परस्पेक्टिव से हेल्प करेंगे। अगर आपको ऐसे सीनियर से हेल्प चाहिए आपके काउंसलिंग प्रोसेस में, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन अ काउंसलिंग सीरीज। अभी आज 8 तारीख है, ठीक है, आज और कल 2 दिन ही रजिस्ट्रेशन रहने वाला है, तो आप आज और कल के अंदर ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। परसों से लिंक स्टॉप कर दी जाएगी, परसों रजिस्ट्रेशन स्टॉप कर दिया जाएगा, बिकॉज परसों से आपके एक्चुअल कैपराउन के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द काउंसलिंग सीरीज। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बहुत सारे पहले एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। तो ये जो आई बटन पर वीडियो आएगा, ये वीडियो से आप जाके देख सकते हो क्या क्या चीज़ें काउंसलिंग कोर्स पर रहने वाली है, एंड हमारी तरफ से हम जितनी चीज़ें प्रोवाइड सकते हैं हम प्रोवाइड करने वाले हैं। हमने भी 2-3 साल पहले किसी ने किसी की काउंसलिंग की थी फॉर कॉलेजेस, ठीक है, और हमें पता है कि वो किस फीस के ऊपर क्या क्या लेते हैं। तो ट्रस्ट मी गाइस, ये जो फीस है, ये जो चीज़ हम प्रोवाइड करने वाले हैं, इट विल बी अप टू द मार्क। अब भी टाइम बाकी है, गो एंड एनरोल फ्रॉम द लिंक दैट आई हैव गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। क्लब्स भी है जो कि आपको हायर स्टडीज़ के लिए भी बहुत प्रेरित करते हैं। भाउसेल नाम का क्लब है, एंड जो भी इवेंट्स वगैरह कॉलेज में होते रहता है, ठीक है, तो वहाँ पे भी वो लोग प्रमोट करते हैं हायर स्टडीज़ एंड मास्टर्स। मैंने भी दो तीन सेशन किए थे MBA के, GRE के। मान लो कि इंडस्ट्री के एक्सपर्ट को इन्वाइट करेंगे, वो लोग आपको पिच करेंगे आपको प्रिपेयर कैसे करना है, आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। तो क्लब में चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। मैं भी काफ़ी इंस्पायर हो गया था फर्स्ट ईयर में, कि मैंने जब ये सेशंस वगैरह किए तो काफ़ी अच्छे सेशंस रहते हैं। एंड सीनियर तो मैंने बोला भाई, सीनियर तो अपने फ्रेंड ही है कॉलेज में। बाकी हम कॉलेज एक्सपोजर की करेंगे तो भाई फेस्ट वगैरह काफ़ी तगड़े रहते हैं कॉलेज में। एंड स्टार्टअप फंडिंग एंड अलुमनस नेटवर्क, मान लो कि आप ऐसे बंदे हो जिनको लाइक
का इंजीनियरिंग से फर्क नहीं पड़ता है, बट यू आर मोर इन टू स्टार्टअप्स एंड अदर थिंग्स। स्टार्टअप के लिए बहुत फंडिंग मिलती है, बहुत हेल्प मिलती है, एलुमनी सबको हेल्प करते हैं, सीनियर सबको हेल्प करते हैं। स्पेशली यहाँ के लिए मैं आपको क्लब एक मेंशन करना चाहूँगा, कॉलेज में एक बहू नाम का क्लब है, BHAU, बहू एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन सेल, ठीक है। ये क्लब स्पेशली डेडिकेटेड है ओनली फॉर स्टार्टअप्स एलुमनी नेटवर्क के लिए, ठीक है। इमेजिन करो स्पेशल एक बिल्डिंग है एक स्टार्टअप वगैरह के लिए, तो इफ यू आर मोर इनटू दैट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस, ठीक है। एंड या अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसको स्पोर्ट्स वगैरह खेलना पसंद है, भाई COEP इज़ बेस्ट फॉर यू। मतलब COEP इज़ नॉट ओनली बेस्ट फॉर इज एकेडमिक प्लेसमेंट, बट या बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है, ठीक है। दैट इन चीज़ों के लिए COEP बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट, कि आपको कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो यहाँ पे सिविल सर्विसेज के लिए स्पेशली क्लब है। यहाँ पे सिसेक नाम का क्लब है जो कि डेडिकेटेडली सिविल सर्विसेज के लिए ही बना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे अलुमनस है जो ऑलरेडी UPSC MPSC क्रैक करके बहुत बड़ी पोस्ट पे है। तो होता क्या, ये जो क्लब रहता है ना वो उनका एनुअली एक दो फंक्शन लेते हैं, ठीक है। जहाँ पे सीसैक में कुंदन वाला नाम का एक इवेंट था या फिर एक फेस्टिवल था, जाके थ्री डेज थे, यानी 3 डेज में कॉलेज ने डिफरेंट अलुमनस को इनवाइट किया था जो कि ऑलरेडी एन IAS और IPS ऑफिसर है, ठीक है। उन लोगों ने गाइड किया था, कोई हम बेस कॉलेज बेस स्टूडेंट है, हमने ऐसे प्रिपेयर किया था, ये स्ट्रेटजी रहती है, आपको ऐसे प्रिपेयर करना है, यहाँ से कोचिंग लगवानी है। अब आपके सीनियर आपके अलुमनस आपके फ्रेंड्स हैं जो कि आपको गाइड करने वाले हैं। यहाँ पे यू डोंट नीड एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट, यहाँ पे यू डोंट नीड अ टीचर। टू बी ऑनेस्ट, अगर मान लो किसी टीचर की जगह के फ्रेंड ने आपको पढ़ा दिया या कोई चीज़ बोल दी, तो आपको बहुत टाइटली आपके दिमाग में फिट होती है कि आपको पीयर रहता है, अब वहाँ पे एक बाउंड्री नहीं रहती है, वहाँ पे कोई बर्डन नहीं रहता है, ठीक है। दैट्स वाई ये जो क्लब है वो इसी लेवल से काम करता है, इनके पुराने अलुमनस को इनवाइट करता है कॉलेज, वो लोग आपको गाइड करते हैं कंप्लीट जर्नी में कि आपको प्रिपेयर ऐसा करना है। तो यार सिविल सर्विसेज इज देयर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड हायर स्टडीज, आप हायर स्टडीज के लिए आपको अलुमनस स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलती है। की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है, स्टिल COEP इज ऑल योर्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी स्कॉलरशिप्स है जो कि अलुमना प्रोवाइड करता है, अलुमना की तरफ से जितनी चीज़ें हो सकती है वो लोग उतना हेल्प करते हैं अपन लोगों को बढ़ाने के लिए, अपन लोगों को हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा कंप्लीट एकदम स्ट्रॉन्ग अलुमना नेटवर्क है COEP का, दैट्स वाई कॉलेज की रेपुटेशन नेक्स्ट लेवल पर है। एंड टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग, कॉलेज में मोर देन 55 क्लब्स है, तो नो मैटर अगर आपका ड्रीम CSIT भी रहा या फिर और कोई ब्रांच का भी रहा, एंड स्टिल अगर आप कॉलेज टैग के लिए फिर ये ऊपर के सारी चीज़ों के लिए COEP चूज़ करते हो, देन गाइज यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स है जो कि हर एक फील्ड के है। इमेजिन करो 55 प्लस क्लब्स है, चाहे आपको डांसिंग में इंटरेस्ट है, चाहे आपको आर्ट्स में इंटरेस्ट है, चाहे आपको एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है, चाहे आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, चाहे आपको Formula 1 रेसिंग कार में इंटरेस्ट है, चाहे आपको CS में इंटरेस्ट है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ सीखने के पर्सपेक्टिव से अगर आप COEP चूज़ करें गाइस, तो यह आपके लिए लोअर ब्रांचेस भी बहुत ज़्यादा वर्थ इट रहने वाली है, ठीक है। इंजीनियर्स आर नोन टू बी प्रॉब्लम सॉल्वर्स, ठीक है। एंड प्रॉब्लम किसी एक ब्रांच के पर्सपेक्टिव से सॉल्व नहीं होती है, उसके लिए सारे ब्रांचेस एंड सभी का उतना ही डेडिकेशन काम आता है गेटिंग। तो आपको COEP में कौन सी ब्रांच मिल रही है, ट्रस्ट मी इट्स 100% वर्थी, अगर आपको सिर्फ प्लेसमेंट इज नॉट योर POV, एंड मैंने प्लेसमेंट भी बता दिया, इट्स 7.5 LPA, फाइन। तो यार गाइस ये था कंप्लीट वीडियो मेरे POV से, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे फील किए, मैंने एक्सपीरियंस किए पिछले 2-3 सालों में, ठीक है। तो ये था मेरा कंप्लीट एक्सपीरियंस इस वीडियो का, अगर आपको इसके बारे में डाउट होगा तो डोंट फॉरगेट टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।